हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। एसओएल के बहुत से स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरीज आ रही है कि एसओएल के जितने भी यूजी कोर्सेज हैं उन सभी के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे 2022 के लिए, क्योंकि जो अब इससे पहले जो अपडेट आए थे उसमें ये बताया गया था कि जब भी सीबीएसई के रिजल्ट आ जाएंगे 12th क्लास के, उसके बाद ही आपके जो एडमिशन है एसओएल में वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन सीबीएसई का रिजल्ट आया काफी टाइम हो चुका है, अभी भी आपके एडमिशन की कोई भी डेट कन्फर्म नहीं आई है। तो अब बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे एसओएल के एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो देखो, अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपके जो एडमिशन है वो मिड अगस्त या उसके बाद ही स्टार्ट होंगे, उसके पहले स्टार्ट होने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो आप मान के चल सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद ही आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आपके एडमिशन जो है अगस्त एंड तक ही स्टार्ट हो सकते हैं, उसके पहले स्टार्ट होने के चांसेस अभी काफ़ी कम लग रहे हैं। अब एडमिशन आपके लेट क्यों हो रहे हैं? अब एडमिशन लेट होने के दो कारण है। एक कारण तो ये है कि एसओएल के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं उसमें एसओएल ये ट्राई कर रहा है कि कुछ और नए कोर्सेज को वो ऐड करें। अभी एसओएल में अगर आप बैचलर्स के लेवल पर देखेंगे यानी ग्रेजुएशन के लेवल पर देखेंगे तो 5 कोर्सेज होते हैं, बीए प्रोग्राम, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। ये 5 कोर्सेज अभी बैचलर्स के लेवल पर एसओएल में चल रहे हैं। एसओएल अभी ट्राई कर रहा है कि कुछ और कोर्सेज जो हैं वो ऐड करें, ये न्यू कोर्सेज जो हैं कुछ वो ऐड करने की एसओएल ट्राई कर रहा है। अब किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी को जब कोई कोर्स स्टार्ट करना होता तो उसको यूजीसी का एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं डीईबी, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड, इससे परमिशन लेनी होती है। तो जो पहले से जो कोर्सेज चलते आ रहे हैं उसकी परमिशन तो एसओएल के पास है कि इन कोर्सेज के एडमिशन ये स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नए कोर्सेज स्टार्ट करने हैं जैसे बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के जो नए कोर्सेज एसओएल स्टार्ट करने की सोच रहा है, इसके लिए अभी इनको एक नई परमिशन लेनी पड़ेगी डीईबी से। ये एक कारण है कि अभी तक एसओएल के एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसके अलावा एक कारण और है, जैसा कि आपको पता है अभी तक जो एसओएल के अंदर या डीयू के अंदर जो रेगुलर कोर्सेज है उन सभी में जो ग्रेजुएशन होती है वो 3 साल की होती आई है, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज है वो 4 साल के कर दिए जाएंगे। यानी कि अब जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज होंगे वो 4 साल के होंगे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या एसओएल के अंदर जो भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज अभी करवाए जा रहे हैं, चाहे ये 5 एग्जिस्टिंग कोर्सेज हो या फिर जो नए कोर्सेज आएंगे, इनको 3 साल का रखा जाए या इनको भी 4 साल में अपग्रेड कर दिया जाए, यानी इनको भी 4 साल का कोर्स बना दिया जाए। अगर ये कोर्सेज 4 साल के बनेंगे तो इसके लिए नया सिलेबस बनाना पड़ेगा, नया करिकुलम बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर डिले हो सकता है। अभी ये डिसाइड नहीं किया गया कि एसओएल के अंदर जो भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज होंगे वो 3 साल के होंगे या फिर 4 साल के होंगे। तो ये दो मेन रीज़न है, एक तो नए कोर्सेज स्टार्ट करने हैं उसकी परमिशन लेनी है डीईबी से, और दूसरा अभी ये डिसाइड करना है एसओएल को कि इनको जो अपने ग्रेजुएशन के एडमिशन लेने हैं वो 3 साल के ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने हैं या 4 साल के ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने हैं। तो ये दो मेन रीज़न है जिसके वजह से अभी आपके न्यू एडमिशन अटके हुए हैं। बाकी जैसे ही कोई एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, किस तरह से आपको एडमिशन लेना है, फॉर्म किस तरह से फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, वो सारा प्रोसीजर आपको इस चैनल पर वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म करके बताया जाएगा। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो मैं बना दूंगा। कोई और आपकी क्वेरी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।